हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो आज हम बनाएंगे गांठिया, वो भी बिना कोई सोडा और यूज किए बिना। न ही इसमें पापड़ खार डालेंगे, न ही सोडा, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो आप इसको एक बार अवश्य बनाकर देखिए। तो आइए देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। तो गांठिया बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कटोरी बेसन है वो एक बर्तन में ले लेंगे। 3 कटोरी बेसन हमने ले लिया है, नाप हमें प्रॉपर रखना है। इसमें हम अजवाइन डाल देंगे 1/2 टीस्पून, हींग डाल देंगे 1/4 टीस्पून, और नमक है वो 1/2 टीस्पून डाल देंगे। तो ये हमारा ड्राई मिक्सचर है वो तैयार है। अब हम दूसरा बाउल लेंगे जिसमें 1 कटोरी तेल डाल देंगे। हमने वही कटोरी ली है जिससे बेसन नापा था। इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी पानी। अब हमें इसको अच्छे से विस्क करना है। आप देख सकते हैं ये हमारा कितना गाढ़ा हो गया है। ये प्रोसेस आप मिक्सी या हैंडी से भी कर सकते हैं। इस स्टेज तक हमें इसको बीट करना है। अब हम इसमें अपना ये जो बेसन वाला मिक्सचर है इसको मिलाते हुए इसमें मिक्स करेंगे। इस तरह हमने अपना सारा बेसन का मिक्सचर है वो डाल दिया है। हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार है। हमने ये गांठे की डिजाइन वाली प्लेट है वो लगा ली है। इसमें हम अपना मिक्सर है वो फिल करते हैं। तेल हमें मीडियम हीट तक ही गर्म करना है। हम अपने गांठिया है वो तैयार करते हैं। हमें इनको मंदी आंच पर ही तलना है क्योंकि इनका कलर लाइट रहता है। कितने फूले हैं हमारे गांठे आप देख सकते हैं, जबकि हमने कुछ भी सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। फूल के डबल हो गए हैं पूरे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप इनका टेक्सचर और सॉफ्टनेस देख सकते हैं कितने जबरदस्त सॉफ्ट बने हैं। डाल देते हैं। अब हम दूसरे तरह के गांठिया तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने ये वाली प्लेट लगाई है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और बढ़िया बना है हमारा गांठिया।
तो आप इसको अवश्य लॉकडाउन में एंजॉय करें और घर में ही पड़े सामानों से बनाएं।